बिहार की फेमस सत्तू परांठा एकदम फुला फुला और बैंगन टमाटर का चोखा। नमस्ते, शीला के रसोई में आपका स्वागत है। आज चलिए घर में तैयार करते हैं सत्तू परांठा। इसके लिए सत्तू ले लिए हैं, मसाला तैयार करते हैं। 15 से 20 लहसुन का कली, काला मिर्च, हरा मिर्च दरदरा उसको कूट लेते हैं। तैयार कर लिए मसाला कूट करके। सत्तू में जीरा पाउडर, अदरक कद्दूकस करके रखे हैं और अजवाइन 1 चम्मच। इसके बाद जो मसाला तैयार कर दिया सो डाल दिया। इसमें नमक, धनिया का पत्ता, उसके बाद सरसों का तेल जो अचार के मसाला में डाले रहते हैं अचार वाली तेल, वो सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत टेस्टी तैयार किए हैं स्टफिंग, पहले हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एकदम लाजवाब तैयार हुआ है स्टफिंग। अब चलते हैं, मसाला तैयार हो गया मतलब सत्तू, अब चलते हैं बैंगन और टमाटर का चोखा बनाने के लिए। बड़ा बड़ा गोल टमाटर था उसको 2 भाग में कटिंग कर दिए टमाटर, और ऐसे करके हम लोग गैस पर पकाते हैं। अब आग में पकाना तो आग तो है नहीं, तो पानी में जो हम लोग उबाल करके जो बनाते हैं वो थोड़ा अच्छा टेस्टी चोखा नहीं तैयार होता है, और इस तरह से हम पका कर बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से हम लोग गैस पर झरका लेते हैं उसको अच्छी तरह से, और बस इसी तरह से बारी बारी से सारा बैंगन को हम पका लेंगे और टमाटर को, और फिर इसका चोखा तैयार करेंगे। देखिए इसको पानी में भी डाल करके हम इसको छिलका हटा सकते हैं, लेकिन उसी तरह हटाए, और उसी बीच में पानी पूरा पड़ने लगा बहुत ज़्यादा, तो कहें चलिए पानी का भी मज़ा ले ले। एकदम अभी सावन महीना नहीं है लेकिन पूरा झमझम झमझम हमारे यहाँ गर्मी बहुत था लेकिन पानी पड़ने लगा, तो सोचे कि चलिए पानी का भी नज़ारा आपको दिखा दें। तो एकदम पूरा बादल काला है। फिर पानी के बाद फिर बैंगन को हम अच्छी तरह से छिलका हटा करके, इस तरह के ठंडा में मतलब बरसात में आप सत्तू वाली रोटी खाते हैं ना तो बहुत टेस्ट लगता है। आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, बैंगन का चोखा तो बन ही रहा है इसके साथ भी खा सकते हैं। इस तरह से पानी में नहीं डाले बैंगन पकाने के बाद, उसके बाद हाथ से थोड़ा सा गर्म है हल्का हल्का छिलका हटा करके, और तब जब चोखा बनाइएगा ना तो बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। एक बार ट्राई करिएगा, देखिएगा बनाकर कितना टेस्टी लगता है। बैंगन टमाटर को अच्छी तरह से, क्योंकि अभी टमाटर जो है वो ठंडा महीना जो मिलती है ना वैसी वाली टमाटर नहीं रहती है, थोड़ा करा रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा, लेकिन खाने का जब मन हो गया तो जैसा भी टमाटर है चटनी चोखा तो बनेगा ही। ऐसे हम मिक्स कर दिए, अब इसे मसाला ऐड कर देते हैं, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, उसके बाद प्याज, नमक, सरसों के तेल, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब चोखा मेरा तैयार हो गया, कितना देखने में कितना खूबसूरत चोखा लग रहा है। चलिए अब परौठा के लिए, आलू सत्तू पराठा के लिए पहले से आटा, जैसे हम लोग गेहूं का रोटी बनाते हैं ना उसे डो तैयार करके रखे रहते हैं, बस अब इसको लोई बना करके, अब इसको हाथ पर जो है कटोरा की तरह तैयार करना है, अंगूठा से दाब करके बीच वाली मोट चारों तरफ से पतला, और 1 चम्मच डाल करके स्टफिंग इसको गोल बना करके, बस मेरी सत्तू की परौठा जो है एकदम तैयार हो गया रेडी। इस तरह से हल्का ऐसे कर देने से क्या होता है मेरी परौठा जो है ना फटेगी, और धीरे धीरे हाथ से इसको चला लेना, हल्का सा मोटा भी रहेगा तो चलेगा, अच्छी तरह से सेक लेंगे हम लोग परौठा को। इसी तरह से सब परौठा को हम बना लेंगे। इस तरह से परौठा पहले तैयार कर लिया, अब चले गैस तरफ, गैस जला दिए, लोहा वाली कढ़ाई तवा चढ़ा दिए, गर्म हो गई। अब ऐसे 1 चम्मच तेल दे करके, आप रिफाइन में बना रहे हैं हम, आप घी में भी बना सकते हैं, ऐसे करके धीरे धीरे छुलनी से ऐसे कर दीजिए, चारों तरफ से सेक दीजिए। उस इस तरह से दाबने से क्या होता है चारों तरफ से सिक जाता है अच्छी तरह से, एकदम पूरा फूल जाएगी। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कितना टेस्टी लग परौठा तैयार हो गया, देखने भी खूबसूरत और खाने में तो मज़ेदार होगा ही परौठा। ऐसे बारी बारी से सब परौठा को हम तैयार कर लेंगे।
एक एक चम्मच रिफाइंड डाल करके तैयार कर लेंगे। पूरा मेरा परौठा जो एकदम पूरा फुला फुला तैयार हो रहा है। ये आटा आप गूथ कर पहले रख दीजिएगा, मतलब डो तैयार करके आधा घंटा रेस्ट के लिए छोड़ दीजिएगा, तो इसी तरह से आपको परौठा जो है ना पूरा फुला फुला होगा। अब चलिए सर्व करते हैं। ये आपका इमली वाली चटनी है और ये बैंगन का चोखा है। इस तरह से आप सर्व करके अपने खाइए, बच्चे को खिलाइए, किसी और दोस्त मित्र को भी खिला सकते हैं। देखिए मेरा थाली जो है चोखा और सत्तू वाली रोटी वाली तैयार हो गई, एकदम परफेक्ट बना है।